हेलो दोस्तों, दिस इज अजाज इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप टिकटॉक पर देख रहे हैं, एक 40 दिन के बच्चे की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। उन्हें मैंगलोर से लेकर बेंगलोर तक शिफ्ट किया गया है, जिनका उनका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। ठीक है, ये तो हो गई है, उसे बीते 2 दिन हो चुके हैं। अब जाके लोगों के माइंड में ऐसी बातें आ रही है, अरे यार जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी बच्चे की, तो उन्हें फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं लेके आया गया है, उन्हें एम्बुलेंस से क्यों भेजा, जबकि एम्बुलेंस इतनी तेज चला रहा था वो बंदा, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता एकदम, तो कम से कम फ्लाइट से पहुंचाते तो जल्दी भी पहुंच जाते। हमें उनसे ये कहना चाहता, हाँ बिल्कुल, दोनों जगह फ्लाइट थी, एक क्या बोलते हैं बेंगलुरु में भी और बेंगलुरु में, अगर वो पहुंचाते भी तो 30 मिनट मतलब आधे घंटे में वो पहुंचा सकते, पर उन्होंने क्यों नहीं पहुंचाया, कुछ सोच के ही ऐसा किया होगा ना, उन्हें डॉक्टर से भी सलाह ली होगी। तो बहुत सारे जन के माइंड में ऐसा डाउट्स है, मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं, क्या वहाँ पर फ्लाइट अवेलेबल थी तो फ्लाइट से क्यों नहीं पहुँचाया, काम भी जल्दी हो जाता और लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, मतलब सब पुलिस भी लगी थी, क्राउड भी लगा था, बहुत सारे लोग भी थे। तो चलिए इस वीडियो में मैं उसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा, ठीक है। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, किस तरीके से उस ड्राइवर ने, हनीफ भाई ने, जान पे खेल के उस बच्चे की जान बचाई, और दूसरे वीडियोस में उस बच्चे के बारे में पूरी डिटेल बताऊँ, उन्हें बीमारी क्या थी, वो लड़के का नाम क्या था, उनके पापा क्या करते हैं और कहाँ उनका ट्रीटमेंट शुरू है, सब मैंने इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। ओके, तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ ये बातें बिल्कुल शेयर करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लाइट में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, जब हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इसमें इतना खर्चा लग रहा है तो फ्लाइट में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, केम्पी गोदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है और मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जैसे कि आपको मालूम है 400 किलोमीटर है। अगर फ्लाइट से लाते हैं तो 30 मिनट्स मतलब आधे घंटे में वो पहुंच जाते हैं। पर डॉक्टर का ऐसा कहना है, क्या उसका जो प्रेशर रहता है, मतलब फ्लाइट के अंदर इतने हाई प्रेशर पे वो जब एरोप्लेन उड़ता है या हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसके अंदर जो प्रेशर रहता है बहुत कम रहता, मतलब लो प्रेशर रहता है, जिसके कारण कोई भी इन्फेंट मतलब कोई एक बच्चा जो कम मंथ का हो या कुछ दिन का हो तो उनको नहीं लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी जान को खतरा रहता है। ये आपको शायद क्लियर नहीं होगा, पर इसके पहले ऐसा एक केस हो चुका है, कतर में जो दोहा है वहाँ से हैदराबाद के कुछ लोग आ रहे थे, उनके साथ एक छोटा सा 11 महीने का भी बच्चा था जिनके फ्लाइट में ही डेथ हो गई थी। ऐसे ही कुछ महीने पहले एक केस और बना था जिसमें 4 महीने का एक बच्चा था जिसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो इसी कारण के वजह से उन्होंने उन्हें फ्लाइट में ना भेजते हुए एम्बुलेंस की मदद ली और 4 घंटे के अंदर उन्होंने सही सलामत उस बच्चे के साथ वो ड्राइवर के हाथों भेज के उन्होंने डायरेक्टली बेंगलोर भेज दिया है। उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। अब आपके माइंड में कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने फ्लाइट से क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उनको जान बचानी थी, जान गंवानी नहीं थी, इसलिए उन्होंने फ्लाइट से नहीं भेजा, उन्होंने एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया और एम्बुलेंस में जो सिलेंडर्स रहते हैं उसके थ्रू वो बराबर सही सलामत यहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि फ्लाइट में छोटे बच्चों को कभी भी एंट्री नहीं रहती, ना कहीं ट्रैवलिंग्स में, ना कहीं ऐसी कुछ क्रिटिकल कंडीशन रहती उसमें भी नहीं ले जाया जाता है एरोप्लेन में या कोई भी फ्लाइट में। ओके, अब आपको समझ में आ गया है, तो ऐसी अफवाह मत फैलाओ कि फ्लाइट में क्यों नहीं लेके गए, ऐसा हो गया, वैसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और लाइक नहीं भी करे चलता पर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले इसके बारे में। ओके, सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के बारे में लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।